हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू सक्सेस सीरीज एजुकेशन। आज हम आपके साथ कुछ टिप्स ऐसे शेयर करने वाले हैं एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सजेस्ट किए हैं। यस, उनकी एक नई बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है एग्जाम वॉरियर्स। ये सभी टिप्स उसी बुक से इंस्पायर्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम तन्वी शर्मा। ये जो बुक नरेंद्र मोदी ने लिखी है, या जो हम कह सकते हैं टिप्स एंड मंत्रास हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं, ये कंपाइलेशन है उनकी रेडियो लेक्चर्स की। रेडियो में एक प्रोग्राम मन की बात के कई एपिसोड्स में नरेंद्र मोदी ने अलग अलग टाइप के टिप्स स्टूडेंट्स के लिए दिए हैं। उन सभी को मिलाकर ये बुक बनाई गई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टिप्स। फर्स्ट टिप है, आंसर शीट इज वन वे टिकट, मूव अहेड। जिस तरह से सफर में आगे बढ़ने के लिए आपको टिकट की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, इसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो टिकट का काम करती है वो होती है आपकी आंसर शीट। क्योंकि अगर आप आंसर शीट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन में आपके लिए खुल जाती है। सो आंसर शीट इज वन वे टिकट, ये एक नया नजरिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। टिप नंबर टू, टू डू योर बेस्ट टेक एडिक्वेट रेस्ट। ये बहुत ही कॉमन फैक्ट है, लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत सारे बच्चे इसे मिस आउट कर देते हैं। वो जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्ट कर लेते हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस को कम कर देता है। सो अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं एग्जाम्स में, तो रेस्ट में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। स्पेशली जो आपकी रात की नींद है उससे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। टिप नंबर थ्री is you are your only competition. Tip number three है कि आपका competition सिर्फ आप है। Mirror में अपने आप को देखिए and आपको सिर्फ उसी इंसान को हराना है जिसे आप mirror में देखते हैं। उससे बेहतर बनने की कोशिश कीजिए रोज। नरेंद्र मोदी जो खुद इतने competitive profession में रहते हैं, उसमें रहने के बाद भी वो ये मानते हैं कि इंसान का competition वो खुद होता है। अगर आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हमेशा आप डीमोटिवेटेड ही फील करेंगे। टिप नंबर फोर इज लाफ इन लाफ आउट। अब इन से यहाँ पर नरेंद्र मोदी का मतलब है एग्जाम सेंटर में जाने से पहले, और आउट से इनका मतलब है एग्जाम से बाहर आते समय। सो लाफ्टर जो है वो बेस्ट थेरेपी है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इसीलिए एग्जाम सेंटर में जाते समय मुस्कुराते हुए जाइए, और जब आप एग्जाम सेंटर से वापस आते हैं तो मुस्कुराते हुए वापस आइए। टिप नंबर फाइव इज एग्जाम टेस्ट योर करंट प्रिपरेशन नॉट यू। ये समझना बहुत ही जरूरी है। एक एग्जाम अच्छा नहीं होता बच्चों का, या एक क्लास में उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते तो उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एग्जाम जो है वो आपकी करंट प्रिपरेशन को टेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में आप अच्छा नहीं कर पाए तो लाइफ में आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते आगे। सो एग्जाम जस्ट टेस्ट योर करंट प्रिपरेशन एंड नॉट योर होल कैलिबर। टिप नंबर सिक्स, बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। इसीलिए इस बुक का नाम भी एग्जाम वॉरियर रखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी मानते हैं एग्जाम्स जो है आपको एक योद्धा की तरह देने चाहिए। आप मेहनत करें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन चिंता बिल्कुल भी ना करें। एक वॉरियर बने और वरियर ना बने। चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी से दूर रहें और मेहनत पर फोकस करें। टिप नंबर सेवन इज द प्रेजेंट इज गॉड्स ग्रेटेस्ट प्रेजेंट, लिव हेयर एंड नाउ। नरेंद्र मोदी बिलीव करते हैं कि इंसान को प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट में जीने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज इट। फ्यूचर हम देख नहीं सकते, और वैसे भी वो हमारे आज के एक्शंस पर ही डिपेंड करता है। सो इट्स बेटर कि हम आज को बेहतर बनाने पर ही फोकस करें। लिव हेयर एंड नाउ। टिप नंबर एट इज रिवाइज एंड बिकम वाइज। जिस तरह से कंप्यूटर की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करते रहते हैं, इसी तरह से ह्यूमंस को भी अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना होता है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? रिविजन करके। ये उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस मुश्किल से, और फिर कहते हैं एग्जाम में तो कुछ याद ही नहीं रहा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो भी आप पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं उसके सारे कंटेंट को आप एक बार एटलीस्ट रिवाइज जरूर करें। टिप नंबर नाइन इज प्रेजेंटेशन इज की, मास्टर इट।
हम सब ह्यूमंस जानते हैं कि जो आंखों को अच्छा लगता है वही अट्रैक्टिव लगता है, वही अपील करता है। अगर आपकी आंसर शीट अट्रैक्टिव होगी तो वो एग्जामिनर को फोर्स करेगी आपको ज्यादा नंबर देने के लिए। अब आंसर शीट अट्रैक्टिव कैसे हो सकती है? अगर आप प्रॉपर स्पेसिंग देकर लिखेंगे, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, की पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे एंड डायग्राम्स का यूज करेंगे। सो प्रेजेंटेशन इज द की, उस पर काम करें। टिप नंबर 10 इज Closest parallel to exams is festival. अब ये जो है सबसे इंटरेस्टिंग फंडा है नरेंद्र मोदी का, जितने भी उन्होंने अब तक शेयर किए, कि एग्जाम्स को हमें फेस्टिवल्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनके इक्विवेलेंट समझना चाहिए। जिस तरह से हम फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमें एग्जाम्स को भी एंजॉय करना चाहिए, उनको फोबिया नहीं समझना चाहिए। फेस्टिवल्स इंसान के बेस्ट को बाहर लाते हैं, इसी तरह एग्जाम्स भी इंसान के बेस्ट को बाहर लाते हैं। और वो यकीन करते हैं, जिस तरह से फेस्टिवल्स आप अकेले नहीं सेलिब्रेट करते, एग्जाम्स भी आप अकेले नहीं देते, आपके हम उम्र सारे बच्चे एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं। सो सेलिब्रेट योर एग्जाम्स लाइक festivals. Tip number 11 and the last tip is get rid of stress with yoga. Narendra Modi ये मानते हैं कि stress को दूर करने के लिए, anxiety को दूर करने के लिए, जो exam time में बहुत ज्यादा होती है, yoga का सहारा लिया जा सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा advanced yoga नहीं जानते हैं या high five postures नहीं बना सकते, then it's okay. आप deep breathing या pranayam जिसे कहते हैं वो practice कर सकते हैं, उसकी videos आराम से YouTube पर available हैं। So, ये कुछ इंटरेस्टिंग और फन टिप्स थे नरेंद्र मोदी की बुक एग्जाम वॉरियर से। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे और इंस्पायर करेंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन टाइम में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन। थैंक यू।